सूखी खांसी यानी ड्राई कफ वो समस्या है जो मरीज को लेटने नहीं देती है। जब भी मरीज लेटता है उसको इतनी खांसी आती कि उसको उठ के बैठना पड़ता है और पानी पीना पड़ता है। और इस समस्या का समाधान हम लोगों के पूर्वजों ने 500 BC में 500 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट में बता दिया है। आज हम आपको चरक संहिता का सूखी खांसी रोकने का सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला उस कारण के साथ बताएंगे कि वह आपके शरीर पे क्यों काम करेगा। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, मौसम बदल रहा है और हम में से बहुत लोगों को इस बदलते मौसम में खांसी की दिक्कत आती है, सूखी खांसी हो जाती है, जो कि ज़्यादातर केसेस में लेटने पे बढ़ती है और बैठने पे मरीज को आराम मिलता है, पानी पीने से मरीज को आराम मिलता है। तो यह जो सूखी खांसी होती है इसके मरीज परेशान हो जाता है। तमाम सिरप जो बाज़ार में बने हुए आते हैं वो लिए जाते हैं, लेकिन जब सिरप लिया जाता है तो आधा घंटा एक घंटा आराम मिल जाता है, खांसी फिर आने लगती है। ज़्यादातर केसेस में साथियों इसका जो परेशानी का कारण होता है वो होता है स्नोफीलिया का बढ़ जाना, स्नोफिल्स का ब्लड में बढ़ जाना। बहरहाल, तो जो ये एलर्जिक कफ होता है, ड्राई कफ होता है साथियों, यह समस्या विषम होती है लेकिन इसको सही करना बहुत आसान होता है। हमारे आदिकाल से जो महापुरुष हैं वो ये ज्ञान देते आए हैं कि कैसे आप जो है इस तरह की खांसी को रोक सकें जो सूखी खांसी होती है और लेटने पे बढ़ती है। उसी श्रृंखला में से साथियों आज हम आपके लिए एक ऐसा घरेलू नुस्खा लाए हैं जिसके इस्तेमाल मात्र से 5 मिनट के अंदर आपको खांसी आना बंद हो जाएगा, ऐसी पूरी संभावना है। आप इस नुस्खे को कर सकते हैं, यह आसान है। 99.9% वह इंग्रेडिएंट्स आपके किचन में आपके घर पे उपलब्ध हैं जिससे यह नुस्खा बनना है, और जितना आसान ये नुस्खा बनाना है उतना ही आसान रूप से यह नुस्खा आपकी सूखी खांसी को रोक देगा। आपको साथियों कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आपको थोड़ी सी अदरक यानी जिंजर लेने नहीं है। एक इतनी बड़ी लेंथ की आप जिंजर ले लें, अदरक ले लें, उसको काट लें, स्लाइसेस में काट लें, उसको काट के आप फ्राई कर लें। उसको जब आप काट के फ्राई कर लें और जब वो हाफ फ्राई की तरफ हो तो उसमें आप हल्दी यानी टर्मरिक डाल दें, एक पिंच, थोड़ी सी, एक चुटकी भर जिसे कहते हैं, आप उसमें हल्दी डाल दें। उसको फिर थोड़ा सा और भून लें ताकि आपका जो टर्मरिक है वो भी फ्राई हो जाए और जो आपका जिंजर है वह भी फ्राई हो जाए। जब ये आपका प्रिपरेशन बन जाए तो जिस वक्त आपको खांसी आ रही हो आप इसमें से थोड़ा सा वह जो प्रिपरेशन है वो लें, उस अदरक को लें और उस अदरक को चाट लें या च्यू कर लें, स्वॉलो ना करें अंदर, उसको धीरे धीरे काटें दांतों से। आप देखेंगे कि आपकी अदरक ख़त्म नहीं होगी वो, और आपकी खांसी रुक जाएगी। बहुत सरल, बहुत अच्छा और बहुत आसान नुस्खा है जो आपको लाभ दे सकता है, आपकी खांसी को बंद कर सकता है। यह 500 BC से जब से चरक संहिता लिखी गई है, चरक संहिता का सबसे इम्पॉर्टेंट नुस्खा है सूखी खांसी को रोकने के लिए। फ्राइड जिंजर प्लस टर्मरिक, आप इसको करिए। और साथियों हम आपको बताते हैं, यह नुस्खा तो 500 BC से हमारे पूर्वजों ने इसका औषधीय ज्ञान जाना होगा तभी वह नुस्खा लेकर आए। हम आपको बताते हैं कि आखिर यह नुस्खा क्यों काम करेगा। साथियों, यह नुस्खा आपको इसलिए काम करेगा क्योंकि इसमें जो जिंजर का एलिमेंट है, जो अदरक का एलिमेंट है, या साथियों एक ऐसा अदरक कंपाउंड है, ऐसा एंटी इंफ्लेमेटरी एक कुदरत की देन है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस और कैंडिडा
और एग्रेफिस तीनों बैक्टीरिया को एक साथ रोकता है, एक साथ शरीर से खत्म करता है। जब आपके इन्फेक्शन नहीं होगा वायरल और बैक्टीरियल, तो संभावना है कि आपकी 99% केसेस में खांसी भी रुक जाएगी। और हम सब जानते हैं कि टर्मरिक एंटीसेप्टिक ही है, या यूँ कहें सबसे अच्छी एंटीसेप्टिक है। आज के वक्त में जब अभी महामारी फैली थी तो भारतीयों को इससे कम इन्फेक्शन हुआ। जिस हिसाब से हम लोग की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था है, ढीली स्वास्थ्य व्यवस्था है और आबादी इतनी ज़्यादा है, उस हिसाब से हिंदुस्तान में महामारी उतनी नहीं फैली जितनी अन्य जगह पर फैली, और जितनी फर्टिलिटीज अमेरिका जैसे विकसित देश में 3 लाख से ऊपर मौतें हो गई, जहाँ पे ए क्लास वर्ल्ड क्लास चिकित्सा व्यवस्था है। इटली जैसा देश जहाँ पे विश्व का दूसरा सबसे अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था, वहाँ इतनी मौतें हो गई। लेकिन अपने भारत देश में वैसे तो एक जीवन भी इम्पॉर्टेंट है, जिस परिवार का चिराग बुझा है इस मर्ज से, महामारी से, तो वो समझता है एक जान की कीमत। लेकिन रिसर्च में ये पाया गया है, क्योंकि हम लोग हल्दी या टर्मरिक ज़्यादा खाने में कंज्यूम करते हैं, इसीलिए हम लोग बहुत हद तक इस महामारी से बच गए। और अब तो खैर महामारी पूरी तरह कंट्रोल में है, भारत में कोई नया स्ट्रेन नहीं आया है, महामारी पूरी तरह कंट्रोल में है। तो साथियों, यह दो कंपाउंड आपको बहुत लाभ देंगे और आपकी खांसी को रोकेंगे। आप इस नुस्खे को करिएगा और हमें कमेंट पोर्शन में लिख के बताइएगा आपको इससे फ़ायदा मिला कि नहीं मिला। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, कोशिश करेंगे आपकी बात का जवाब दे सकें। निवेदन करेंगे साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूं ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों, हमारे साथ इतनी देर रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।